नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप अपने घर में बिजली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड के बारे में नहीं पता होगा तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा भी आ सकता है, और अगर ज़्यादा नहीं आएगा तो आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। इस वजह से आपको कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड के डिस्टरबेंस से आपके बिजली के बिल पर क्या फर्क पड़ने वाला है, बिजली के बिल आपका ज़्यादा आएगा या कुछ कम आएगा, ये भी आपको इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों तो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैं मैक्सिमम डिमांड के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो वीडियो था मैक्सिमम डिमांड के ऊपर वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल वे पर था, लेकिन जो आज का वीडियो है ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक होने वाला, यानी कि घर के लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टेड लोड की, उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम डिमांड की, फिर हम बात करेंगे इससे बिजली के बिल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कनेक्टेड लोड आपको पता करना है, सपोज मान लीजिए आपको अपने घर का कनेक्टेड लोड पता करना है, तो आप वो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि हमारे घर में कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मान लीजिए जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वाशिंग मशीन है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हो सकते हैं, एसी है, तो आपको इन सब का वाटेज पता करना है। अब मान लीजिए कि आपको वाट कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों वाट पता करने के लिए हर इक्विपमेंट के, जितने भी आपके घर में इक्विपमेंट लगे होते हैं, हर इक्विपमेंट के नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट पर उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है कि यह कितना एम्पियर लेगा, कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होगा, कितने फेस पर होगा, कितना वाटेज का कंज्यूम करेगा, ये सब कुछ लिखा होता है। तो इसी प्रकार से आपको वाट उसका पता करना है कि इसका वाट कितना है। अगर आपको तब भी मान लीजिए नहीं लिखा हुआ या फिर ख़राब हो गया, मिट गया है, तो आप क्या करेंगे, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि ये कितने वाटेज का होता है। अब आपको वाट पता चल गया, अब आपको इन सबको जोड़ लेना है। अब मान लीजिए जोड़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 3000 वाट का हुआ, ठीक है, 3000 वाट का हुआ। अब दोस्तों यह जो आपका लोड होता है, यह जो नया कनेक्शन होता है, यह वाट के हिसाब से नहीं होता है, यह किलोवाट के हिसाब से होता है। अब आपको वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब अगर हम 1000 का भाग 3000 में देंगे तो हमारा 3 किलोवाट बनेगा, यानी कि हमारे जो घर का लोड है वो 3 किलोवाट का है। अब तो आपको ये पता चल गया। अब बात करेंगे मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। दोस्तों मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि यह पूरे महीने का साइकिल होता है, यानी कि अब मान लीजिए कि आपके घर का 3 किलोवाट का लोड है, तो सारे के सारे इक्विपमेंट तो एक साथ आपके चलेंगे नहीं, कभी कुछ बंद रहेंगे, कभी कुछ चालू रहेंगे, कभी कुछ बंद रहेंगे, कभी कुछ चालू रहेंगे। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि आपका एक टाइम पर, पर्टिकुलर एक टाइम पर 2 किलोवाट का आपका लोड हुआ, यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड आपका हुआ वह 2 किलोवाट का हुआ। अब यह जो 2 किलोवाट है, यह आपका जो एनर्जी मीटर होगा, यह इसको काउंट कर लेगा और इसको नोट कर लेगा। अब मान लीजिए कि इससे आगे लोड बढ़ता है, यानी कि 2.5 किलोवाट का आपका लोड हो गया, कनेक्शन तो आपका 3 किलोवाट का है, लेकिन आप मान लीजिए कि एक टाइम पर आपने 2.5 किलोवाट का आपने लोड ऑपरेट कर दिया, रन कर दिया, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया कि 2.5 किलोवाट आपने इस टाइम पर चलाया है। दोस्तों आपका हो गया मैक्सिमम डिमांड, यानी कि एक टाइम पर, पर्टिकुलर एक टाइम पर आपने कितना लोड रन किया, तो ये आपका मैक्सिमम डिमांड हो गया, ठीक है। आपका 3 किलोवाट का तो लोड है, अब आपने एक टाइम पर 2 किलोवाट का लोड चालू कर दिया, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर पंखा हो गया। मान लीजिए आपके घर में 5 पंखे लगे हुए हैं, अब आपने 4 पंखे एक साथ चालू कर दिए, टीवी भी चालू कर दिया, एसी भी चालू कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके अगर आप मान लीजिए कि 2 किलोवाट का लोड आपने एक साथ में चालू कर दिया, तो ये आपका मैक्सिमम डिमांड हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे बिजली के बिल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों इससे बिजली के बिल पर फर्क ये पड़ने वाला है, मान लीजिए कि आपका जो लोड है 3000 वाट का आपने लोड पता किया था, तो आपका 3 किलोवाट का लोड हुआ। अब आपने मान लीजिए कनेक्शन आपने ले लिया 5 किलोवाट का, ठीक है, आपका लोड कितना है 3 किलोवाट का, और आपने लोड कितना ले लिया, कनेक्शन कितना ले लिया 5 किलोवाट का। अब जो आपका बिजली का बिल बनेगा वह हर महीने 5 किलोवाट के हिसाब से बनेगा, आपको 5 किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि अगर आप कनेक्शन ज़्यादा का ले रहे हैं, यानी कि लोड आपका 3 किलोवाट का है और आपने कनेक्शन कितने का लिया 5 किलोवाट का, तो आपको 5 किलोवाट के हिसाब से लोड आपका हो गया और आपको जो आपका बिल बनेगा वो 5 किलोवाट के हिसाब से बनेगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि हम लोड कम का ले लें, यानी कि आपका लोड 3 किलोवाट का है, अब आप सोचेंगे
कि जब 3 किलोवाट का लोड है तो मैं 2 किलोवाट का ही कनेक्शन ले लूँ, तो इससे मेरा बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन दोस्तों नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्चुअल आपका लोड है वो 3 किलोवाट का है। अब आपने कनेक्शन कितने का लिया है? 2 किलोवाट का। तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लोड है वो 3 किलोवाट का है पूरे घर का, और आपने कनेक्शन कितने का लिया, कितने किलोवाट का सेंक्शन किया है? 2 किलोवाट का। तो यहाँ पर जो आपका पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन आपने 3 किलोवाट का लिया है और आपने लोड आपका 3 किलोवाट का है, और आपने लोड कनेक्शन कितने का लिया है? 2 किलोवाट का। तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको लोड कितने, कनेक्शन आपको कितने किलोवाट का लेना चाहिए? मान लीजिए कि आपका 3 किलोवाट का लोड है, तो आपको 3.5 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट या फिर इसी के आसपास आपको लेना है, ताकि आपको बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा ना आए, आपको पेनाल्टी भी ना देना पड़े। दोस्तों इस प्रकार से यह कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, और आप यह चीज़ देख लीजिएगा अपने बिजली के बिल में कि आपका कनेक्शन कितने का है और आपने घर का लोड कितना है। तो इस हिसाब से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और आपका पेनाल्टी भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।